हेलो फ्रेंड्स, डी आर डॉट आर के टॉस के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको बताते हैं, पूरे विश्व में इस समय मंकी पॉक्स फैल रहा है। दुनिया के 80 देशों में मंकी पॉक्स फैल चुका है और 25,000 केस आ चुके हैं इसके, और बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई है। भारत में भी 8 केस इसके आ गए हैं और जुलाई में WHO इसको ग्लोबल इमरजेंसी घोषित कर चुका है। आज हमारे बहुत सारे दोस्तों ने मंकी पॉक्स वायरस और इससे उत्पन्न होने वाली बीमारियों के बारे में जानना चाहे। आज अपन मंकी पॉक्स के बारे में जानेंगे। मैं मंकी पॉक्स से कौन सी बीमारी पैदा होती है और इसके क्या लक्षण आते हैं और अपन इससे कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले 1958 में कुछ मंकीज में, कुछ बंदरों में, कोंगो देश में मंकी वायरस के बारे में पता लगा था, और फिर उसके बाद में 1970 में अफ्रीका में आदमियों में ये वायरस पाया गया, इसलिए इसका नाम मंकी पॉक्स वायरस आया। मंकी पॉक्स वायरस और कोविड वायरस में क्या अंतर है? अपन बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि इन वायरसों में दोनों में क्या अंतर है। वो भी वायरल डिजीज़ थी, ये भी वायरल डिजीज़ है, तो इसमें दो तीन बेसिक डिफरेंस हैं। उसको आज अपन पहले सबसे पहले ये जानते हैं। जो मंकी पॉक्स वायरस है वो DNA वायरस है, और जो COVID-19 का वायरस था वो RNA टाइप का था। फिर दूसरा डिफरेंस ये है कि जो कोविड वायरस था वो सबसे पहले सांस की नलियों को अफेक्ट करता था, फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता था, जबकि मंकी पॉक्स वायरस है फेफड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। तीसरा डिफरेंस इसमें यह है कि मंकी पॉक्स वायरस, इसकी सीवियरिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत तेज़ी से फैलता है, और अगर अनट्रीटेड रह जाए, अगर उसका इलाज नहीं हो, तो 10% लोगों में मृत्यु का कारण बन जाता है। फिर आदमी से में कैसे आता है मंकी पॉक्स वायरस या कैसे फैलता है? तो सबसे पहले कुछ एनिमल्स हैं, जैसे मान लो गिलहरी है या चूहा है या बंदर है, लंगूर है, इसको आदमी को खा जाए, या आदमी उसका अधपका मांस खा ले, अच्छी तरह से कुक नहीं हो, तो उसमें वायरस आदमी के अंदर पहुंच जाता है। दूसरा जो ह्यूमन टू ह्यूमन सोर्स है, आदमी से आदमी फैलने का जो इम्पोर्टेंट सोर्स है, उसमें क्या है कि ये सांस के थ्रू वायरस निकलता है, जैसे कोविड में निकलता था। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है सांस से, सांस में, फिर उसके बाद में इसमें स्किन लीजन होते हैं, शरीर पे फफोले जैसे पड़ जाते हैं, उन फफोलों में वायरस रहता है, तो उसके वायरस के संपर्क में आने से, या वो जो कपड़े पहनता है उसकी लिनन के थ्रू कॉन्टेक्ट आने में ये वायरस फैल जाता है, तो ऐसे आदमी में ये वायरस फैल जाता है। उसके बाद में अपन देखते हैं उसको क्या लक्षण आते हैं। मान लो उसमें वायरस पहुँच गया तो उसमें क्या लक्षण आएंगे आदमी के अंदर? तो सबसे पहले उसको बुखार आना, फिर उसके शरीर का टूटना या शरीर में दर्द होना, सिर में दर्द होना, फिर उसके शरीर पे चकत्ते आ जाना। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही होती है कि उसके शरीर पे दाने निकल आना या धीरे धीरे करके फफोले निकल आना। तो इसमें सबसे खास बात ये होती है, जो फफोले हैं वो 2 से 4 सप्ताह तक रहते हैं, और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि शरीर के पेरिफ्रल हिस्से में आते हैं, मतलब पेट पे और छाती पे इसके दाने नहीं निकलते। तो सबसे पहले मुंह पे, कभी कभी जीभ पे या हाथों पे, पैरों पे, ऐसी जगह इसके दाने निकलते हैं, और धीरे धीरे वो बड़े होते जाते हैं और उनमें पानी जैसा पस्चूर में बदल जाते हैं, या पानी जैसा लिक्विड उसमें भर जाता है, वो हाईली इन्फेक्टेड होता है, उससे बहुत जल्दी बीमारी फैल जाती है। फिर उसके बाद में लिम्फ नोड है शरीर में, गांठ बन जाती है, वो फूल जाती है, जैसे गर्दन में गांठ बनना, कांख में गांठ बनना, ग्रोइन रीजन है अपना, जांघ के पास का रीजन है उसमें गांठ बनना, ऐसे गांठ बन जाती हैं। अब जैसे मान लो कोई किसी के बीमार के संपर्क में आ जाए तो उसको कितने दिन में लक्षण आएंगे? तो 6 से 13 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इस बीच में कोई आदमी किसी के संपर्क में आ जाए तो इतने दिनों में उसको 6 से 13 दिन में लक्षण आ जाते हैं। और कब फैला सकता है बीमारी को? तो बीमार की के लक्षण आने से 2 दिन पहले और 3 सप्ताह तक कोई आदमी बीमार हो गया है, मंकी पॉक्स से ग्रसित हो गया है, तो वो 3 सप्ताह तक भी बीमार होने के बाद बीमारी फैला सकता है। फिर उसके बाद अपन कैसे पता लगे बीमार कि मंकी पॉक्स की बीमारी इसको हो गई है, डायग्नोसिस कैसे हो? तो वही अपन ने पहले जाना था, PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, खून से या जो फफोले हैं उसके पानी से उसका पता लग जाता है। फिर उसके बाद में क्या इलाज हो सकता है इसका, मान लो हो जाए तो क्या इलाज हो? तो सबसे पहले बुखार से लेने वाली दवाई है, जो बुखार को कम करने वाली दवाई है, एंटीबायोटिक दवाई है, पानी को ठीक करना है, और सपोर्टिव मेजर्स उसमें लेने हैं। ऐसे तो इसका कोई पक्का इलाज नहीं है, लेकिन कुछ एंटीवायरल ड्रग होती हैं वो भी कुछ काम करती हैं, जिसमें टेकोब्रिमेट और सिफोडिवीर नाम की दवाई होती हैं, वो कुछ सर इसमें
लाती है। फिर उसके बाद वैक्सीन कोई है क्या इसके लिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्या कोई टीका इसके लिए है। तो आपको जान के ताज्जुब होगा कि जो स्मॉल पॉक्स थी पहले, पुरानी चेचक की बीमारी थी, वही टीका इसमें भी काम कर सकता है। 85% केसेस में ये अच्छी तरह से काम करता है। एक्चुअली क्या हुआ कि 1970 में जो चेचक का टीका लगना बंद हो गया, इसलिए ये दोबारा शायद रिसरफेस हो गया, दोबारा से ये फिर दोबारा ये पॉक्स वायरस करके, मंकी पॉक्स वायरस करके फिर आ गया। मान लो दोबारा से वैक्सीन लगे तो फिर दोबारा से ये डिजीज़ कंट्रोल हो सकती है। मान लो किसी को हो गई है मंकी पॉक्स, तो अपन को उसको कैसे बचें, मरीज भी कैसे बचे और अपन भी कैसे बचें। तो सबसे पहले अपन कोविड में जाना था, मास्क लगाना है, हाथ बार बार धोने हैं, कपड़े और जो लिनन है उसके इन्फेक्टेड हैं, चद्दर हैं बेड से उनको दूर रहना है। और मान लो कोई मरीज कितनी बार देर में लगा हुआ है, उसकी सेवा में लगा हुआ है या इलाज में लगा हुआ है, तो उसको वही पीपी किट फिर से पहननी है। तो आज का ऐसे करके अपन ने मंकी पॉक्स के लक्षण, वायरस और इलाज के बारे में जाना है। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।